दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एनवायरमेंटल साइंस का जो नेट का पेपर था, उसको हम सॉल्व करेंगे। आपके जो भी बॉटनी गेट एग्जाम दे रहे हैं या एनवायरमेंटल साइंस से के एग्जाम दे रहे हैं, फॉरेस्ट्री से बिलोंग करते हैं, बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आईडी दी होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा, एमसीक्यूज दिए होंगे, यस और या सिंगल लाइन क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें ऑप्शन वगैरह आपने सही करने होंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर के 2 मार्क्स है, रॉन्ग आंसर के यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग नहीं दिख रही है, इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो एक कक्षा में श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के जो प्रयोग का उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित में से किसके विकास में किया जाता है। तो एनवायरमेंटल साइंस में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जो है जनरल आएंगे आपके और कुछ पेडागोजी से संबंधित आएंगे। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों कि जब आप जो ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये किसमें मदद करेगा, आपके वर्णित वर्तनीय और चिन्ह विचार कौशल में, या श्रवण और भाषा कौशल में, पठन और लेखन कौशल में, या शब्दावली और व्याकरण में। तो दोस्तों, जब आप कहीं पे भी ऑडियो विजुअल का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, बच्चे उसमें क्या देखते हैं, सुनते हैं और देखते हैं ना, तो उसके हिसाब से क्या होगा उनका, एक तो श्रवण कौशल हो जाएगा, ठीक है, सुनने का, और दूसरा क्या हो जाएगा, भाषा कौशल। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा, ठीक है, यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला है, शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए निम्नांकित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है। तो जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या होगा, जांच सूची, श्रेणी निर्धारण और विस्तृत सूची या सुर्खियां, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। देखो, गुणों और विशेषताओं का मूल्यांकन करना है आपने और किसी अन्य चीज का नहीं। तो गुणों और विशेषताओं के लिए जांच सूची, ये तीनों नहीं होंगे, तो सुर्खियां इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे अगला प्रश्न है दोस्तों कि पिछले कुछ दशकों के दौरान तकनीकी की सर्वाधिक विकास और परिवर्तित पहुंच से तकनीक के प्रयोग के संदर्भ में शिक्षार्थी की विशेषताएं विकसित करने में योगदान हुआ है। नीचे 2 समूह दिए गए हैं, कृपया जन्म वर्ष के आधार पर प्रचलित पीढ़ियों को सम्मिलित करें। ठीक है, जैसे कि 1945 और उससे पहले के जन्मे जो होंगे उनको क्या कहेंगे, जनरेशन जेड कहेंगे, वाई कहेंगे, या बेबी बूमर कहेंगे, परंपरावादी कहेंगे, या जनरेशन एक्स कहेंगे। तो इसका आपको एक पता चल गया होगा कि किस तरह से इसको हमने जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, 1945 से जन्मे जो होंगे पहले के, वो क्या होंगे, वो परंपरावादी होंगे जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फोर्थ इसको सही लगा देंगे, फोर्थ इसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। और जो 1946 से 64 के बीच होंगे वो बेबी बूमर, ठीक है, ये उत्तर सही होगा। और 1965 से 76 के बीच जन्मे होते हैं उनको कहा जाता है जेनरेशन एक्स। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों, जो 1977 से 95 के बीच जन्मे होंगे उनको कहा जाएगा जनरेशन वाई। ठीक है, यानी कि उसके जस्ट पहले के। अब 96 के बाद जो जन्मे हैं वो आजकल जनरेशन है जनरेशन जेड, क्योंकि जनरेशन के हिसाब से बांटा, जो जितना पुराना होगा उसके हिसाब से बांटा गया। जैसे सबसे पुराने होंगे 1945 के, तो परंपरावादी में आ गए। फिर 46 से 64 में बेबी बूमर आ गए। ठीक है, फिर 65 से 76 को बोला गया जनरेशन एक्स, फिर वाई, फिर जेड। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है मिलान सही हो गया हमारा। तो सही उत्तर इसमें हम देखेंगे, तो सही उत्तर हमें मिल गया एक का फोर्थ। तो यहाँ पर पहला ही उत्तर जो है सही है दोस्तों, 9। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कक्षा संरचना की फिसपाव शैली, ठीक है, फिसपाव शैली जो है के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कह रहा है। ठीक है, कौन सा कथन सही होता है दोस्तों फिसपाव शैली में। तो फिसपाव शैली में क्या होता है कि कुछ छात्र कक्षा के बीच में एक घेरे के पास बैठते हैं, जबकि शेष छात्र क्या होते हैं, समूह चर्चा का उल्लंघन करने के लिए थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। तो इस तरह से जो बनाया जाता है फिसबाउल शैली, उसे यही किया जाता है उसमें। बाकी 3 ऑप्शन गलत है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शैक्षिक नियोजनों, नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, जो जो शिक्षा से संबंधित नियोजक हैं या प्रशासक हैं उनको प्रशिक्षण कौन देता है दोस्तों, बताइए। एनसीईआरटी देती है, एनसीईआरटी देती है, या एनसीआईपी ये देती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी 2 बार छप गया, गलत है। एनसीटी को तो क्या होगा दोस्तों, हाँ सो फ्रेंड्स, ये एससीईआरटी है और ये एनसीईआरटी। ठीक है, क्या हो सही उत्तर होगा इसमें, तो आपको पता होगा दोस्तों, INIEPA। तो यही जो देती है शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देती है। एससीईआरटी जो है प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम बनाती है, एनसीईआरटी
उससे उच्चतर स्तर के लिए पाठ्यक्रम बनाती है, ठीक है। एनसीटी महाविद्यालय के लिए मेनली या टीचर्स की प्रैक्टिस कराने के लिए होती है, तो जो प्रशासक होते हैं उनको प्रशिक्षण एनआईपीए देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोच समस्या की पहचान में शामिल है, ठीक है, अकादमिक क्षेत्र का चयन, अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन या व्यक्तिक और संकलात्मक चयन का बहिष्करण, क्षेत्र के भीतर विशिष्ट विषय या वित्तीय स्रोत का प्रबंध। दोस्तों सही उत्तर होगा अकादमिक क्षेत्र का चयन तो करना ही होता है, ठीक है, कि कहाँ आपको करना है सोच समस्या या सोच जहाँ करना, अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन भी होता है, ठीक है, व्यक्तिक और संकलात्मक चयन का बहिष्करण ये नहीं आएगा इसमें, क्षेत्र के भीतर का विशिष्ट विषय बिल्कुल आता है, और वित्तीय स्रोत ये नहीं आएगा। तो पहचान की बात यहाँ पर की है, तो पहचान के लिए ए बी और डी, तो सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों, सही उत्तर है जी हाँ 23, ये ए बी डी वाला उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिभागी शोध की व्याख्या निम्नलिखित में से किस रूप में की जा सकती है। तो प्रतिभागी जो शोध है उसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे, जहां पर क्या होगा प्रतिभाग होगा, ठीक है, जो लोगों का प्रतिभाग होगा किसी भी शोध की व्याख्या के करने में, प्रतिभागी शोध, तो इसका मतलब लोग जिसमें शामिल हो रहे हैं, तो क्या किसमें आ जाएगा दोस्तों, एक कम्युनिटी यानी कि समुदाय का आधारित, तो सही उत्तर हो जाएगा यही। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कार्योत्तक शोध में उन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है जिसे आपने परिकल्पना निर्माण से पूर्व एकत्रित किया था, दूसरा है पुरातत्व शोध में किसी एक अन्य व्यक्ति द्वारा संकलित और कभी कभी गुट बद्ध आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, परीक्षण पद्धति का उपयोग सह संबंध और प्रायोगिक दोनों शोध में किया जाता है, अपने सह संबंधी आंकड़े लिखने के लिए स्कैटर प्लॉट का उपयोग करके करने से आपको संबंध धनात्मक या ऋणात्मक की दिशा ज्ञात नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे उत्तर मिल गया कि क्या होगा कि अगर आपने सह संबंधी आंकड़े लिखे हैं, स्कैटर प्लॉट डाला है, तो या तो वो धनात्मक या ऋणात्मक तो मिलेगा हमें, तो यहाँ पर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यही गलत है, तो हमें गलत कथन कौन सा छाटना है, गलत कथन छाटना है तो गलत कथन ये है, तो उत्तर भी हमारा यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शोध में सहायक विश्लेषण के लाभ है कि यह सस्ता है, मापक यंत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंकड़ा अभिलेखागार एक महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण ज्ञान उत्पन्न करने के लिए उपयोगी अवसर प्राप्त होता है, या आंकड़ों को समझने के लिए अवसर कम मिलता है, तो सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो शोध में सहायक जो विश्लेषण है ये सस्ता होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है, मापक यंत्र बनाने की आवश्यकता नहीं होती इसमें, ठीक है, आंकड़ा भी लेखाकार भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, और महत्वपूर्ण ज्ञान उत्पन्न के लिए भी अवसर प्राप्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जो आंकड़ों को समझने के लिए समय कम मिलता है ये नहीं होता, ये गलत है, ठीक है, तो सही उत्तर है आपका, तो ये चारों सही है, तो जो इनके लिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ए बी सी डी, यानी कि ये वाला उत्तर सही हो गया। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है दोस्तों ये कि निर्माण मतलब वैधता और समस्या के मुख्य स्रोत को आपने सुमेलित करना है, ठीक है, निर्माण वैधता क्या होगी, बाह्य वैधता क्या होगी, और अभ्यंतरित वैधता क्या होगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा निर्माण वैधता, तो यही हो जाएगी कि व्यतिक्रम या खराब मापक जिसके परिणाम स्वरूप गलत संकेतन या दुर्निर्वचन होता है, ठीक है, और जो दूसरा है उसका होता है थर्ड यानी कि प्रतिभागियों का निर्देशन जो होता है वो प्रतिधनात्मक नहीं था, बाह्य वैधता में अगर बात की जाए, अभ्यंतरित वैधता में क्या होगा फिर जो बचा है, लेकिन व्यवहार और अव्यवहार का समूह अध्ययन कर आरंभ करने के पूर्व असमान थे, ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आज सेक्शन फर्स्ट इस पेपर का एनवायरमेंटल साइंस के सॉल्व कर लिया है, सेक्शन सेकेंड जो कम्प्रिहेंशन है उसको मैं कल आपको लोग को सॉल्व कराऊंगा, तो उसको जरूर आप देख लीजिएगा, और जो लोग अभी भी चैनल से जुड़े हैं अगर आप किसी भी प्रकार के टीजी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।